हाय गाइस, कैसे हो? आई होप बड़े एंड मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में गाइस ऐसा होने वाला है कि आज आपको सारे मित्र कंप्यूटर ट्रेड के मेरे, तो उनसे सबसे मिलूंगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज का ये दिन है जो आज के बाद सब साथ में नहीं मिल पाएंगे। कोई कहा पता नहीं कहाँ मिले, अब ना मिले, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं और अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब भी याद आएगी उनको मेरी ब्लॉग तो देखेंगे। और काफ़ी दिन हो गए दोस्तों से मिले हुए, तो ठीक है आज मिल ही लेंगे और ब्लॉग भी शूट करेंगे। और ब्लॉग शूट करेंगे तो सबको अच्छे से लेंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। आखिरी टाइम में, मतलब आखिरी टाइम का मतलब ये है कि सारे के सारे दोस्त एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। सो गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज तो ब्लॉग बनाऊँगा, दोस्तों के साथ बात शेयर एंड ब्लॉग करते हैं। तो गाइस, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सोहन बागड़े जी, एंड अभी तो बहुत सारे मिलने वाले हैं दोस्त। अंदर चलते हैं, सभी से मिलते हैं, मीटअप करते हैं। अभी तो हम सोहन बागड़े जी के लिए रुके थे और वे हमारे लिए रुके थे। अभी थोड़ा वीडियो को रोकते हैं, उसके बाद सभी से मिलते हैं। सो गाइस, हमारे बीच में हमारे बढ़िया और तो गाइस धीरे धीरे सारे दोस्त भेला हो रहे हैं और हमारे बीच में आशीष चौहान जी जो हमारे लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। सो गाइस, ये वीडियो मेरे खास दोस्तों के लिए बनाया हूँ ये ब्लॉग, तो ये वीडियो को आके तक एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है मेरे प्यारे दोस्त। हमारे बीच में हमारे शिवाजी पधार चुके हैं और हमारे ब्लॉग में शामिल हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अपने लिए बनाया है। ये हमारे सोनू सरकार जी काफी अच्छे हैं और ये हमारे दोस्त लोग खड़े हैं और मजा कर रहे हैं। और गाइस, हम हैं जो अभी प्रोजेक्ट लिख रहे हैं और काफ़ी सारे मित्रगणों के साथ, और काफ़ी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतने सारे दोस्तों के साथ मेरी पहली ब्लॉग है। ब्लॉग तो पहले बनाया था बट इतने सारे दोस्त नहीं थे। दोस्त तुम तो हो यार, काचा बादाम, तुम तो काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम। ये सब पुराने जख्मों ने कर दिए ताजे होते गए। और मेरे दोस्त शिवाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आती थी जाती थी, देख देख के मुस्कुराती थी, रिक्ति स्थान वो भी पूरा कर। ये हमारे सोन भैया, सोन भैया आप बहुत देर से चुप बैठे, हम सब देख रहे, सब मस्ती कर रहे, फिर आप चुप क्यों बैठे? तो आपने बहुत देर से मास्क लगा के रखा है, इतना तो नहीं है कोरोना, किसी ने नहीं लगाया भैया, शुभम ने लगाया हमारे, आप भी निकाल दो। हाँ तो उनकी बात अलग है यार, थोड़ी आप थोड़ा आप हटाओ, पूरा पूरा निकालो यार, बोलो आपको क्या दिक्कत है? बाबा कहीं को आपको क्या दिक्कत है, थोड़ा तो बताओ। कुछ भी नहीं, थोड़ी तो मस्ती करो, क्या दिक्कत है? फिर तो कुछ तो दिक्कत है, कुछ परेशानी जो हम, हमारे अल्लाह भैया, हम आपको अब हमारे कॉलेज में घुमाएंगे। ये हमारे सोनू भैया बैग निकाल रहे हैं, आपको जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे सर अभी वाइवा ले रहे हैं, अभी हमारे जैसे पानी पीने का है। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा रखते हैं, उनका नाम तो नहीं पता। देखो अब नल चालू, तीनों में पानी आ रहा है, इसमें देखो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, और ये हमारा अल्लाह ने चालू किया। ये पहले आप कौन सा परिचित करा देते? ये हमारे सोहन भैया, सोहन भैया आपका नाम बताओ। सोहन बागड़िया। सोहन बागड़िया पिताजी का नाम? सरदार सिंह बागड़िया। आप कहाँ रहते हो? आमला ताज।
चलो फिर ठीक है ठीक। इतनी दूर से कितने किलोमीटर है भैया आपका घर? 17 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं हडबलिया में। यहाँ पे हमारे शुभम भैया उधर बुला रहे हैं हमको, तो उनसे आपको उनसे परिचित करवाते हैं। ये हमारे जो शुभम भैया हैं, शुभम भैया आपका मास्क निकालो। ये भैया आते हैं बरखेड़ा लाट से। आप इनका नाम पूछना। शुभम माल्य। शुभम माल्य। कौन से गांव से आते हैं? बरखेड़ा लाट। कितने किलोमीटर हैं? 12 या 15। 15 किलोमीटर दूर। ये हमारा भैया 17 किलोमीटर दूर। यहाँ पे देखो अभी ये जैसे कि ये भैया हमारे दो भैया आए हैं। भैया आप इधर आओ भैया, दोनों भैया इधर आओ। ये पढ़ाई करने वाले भैया, ये हमारे भैया पढ़ाई करने आते हैं इतनी दूर से। ये सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका भाई था सर, आपका इंटरव्यू था, तो कैसा इंटरव्यू रहा? तो आप कुछ बोलेंगे? इंटरव्यू बढ़िया हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं, जनरल नॉलेज चीज़ें पूछी थी, उसमें सिर्फ यही कंप्यूटर के बारे में पूछा था हमारे से। तो आप बता पाए? हाँ मैंने बहुत कुछ बताया। आपसे क्या OCR या कुछ भी फुल फॉर्म क्या पूछा था? HTML का फॉर्म। मैंने मुझे फुल फॉर्म पूछा था HTML का। तो बता दिया आपने? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और आई एम प्राउड ऑफ यू। OCR प्रिंटर के बारे में पूछा था, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इसे थोड़ी बहुत ये जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछी थी। दादा ऐसे इंटरव्यू खास हुआ नहीं, पर अच्छा था इंटरव्यू। आप पढ़ाई करते हो तो आपको जरूर ये क्वेश्चन याद आते हैं। जी जी जी। सर मैं आप कहाँ से कहाँ रहते हो? सर मैं आपकी कार में रख दूँ ये? मैं धार जिले से हूँ। अच्छा कितना किलोमीटर से आते हो आप? सर आपकी सर गंदे हो गए। नहीं यहाँ से रूम से रहता हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत मेहनत करते हो पढ़ने के लिए। अभी हमारे सर लेट हो रहे हैं। अच्छा आप थैंक यू। क्या सपना वकील बनना चाहेंगे? अरे हाँ आप क्या बनना चाहेंगे? मेरा सपना ऐसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सो गाइस कल और दोस्त यार थे, तो मेरे को लगा क्या ब्लॉग तो बनाना चाहिए। जो मैं शुरुआत में एंट्री में बोला था, तो मैंने सोचा तो और सही सोचा था, डिसीजन सही लेते, क्योंकि जो यहाँ के दोस्त और कंप्यूटर बेच के हैं वो इतने अच्छे। आपने बीच में तो देखा है क्या क्या कॉमेडी करते कि भाई साहब ऐसी चीज़ को कैप्चर नहीं की जाए तो किस चीज़ को कैप्चर की जाए। और मैंने सोचा कि देखो सब तो एक साथ नहीं मिलेंगे, मतलब कि किसी की शादी होगी तो फिर भी इतने जने इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, सबकी ब्लॉग बनाते हैं और वे भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, यादगिरी बने रहेगी। सो अभी तो क्लास में है, उसके बाद बाहर निकलते हैं। हमारा सोनू सरकार जी, कुछ दो वर्ड आपके लिए कुछ उपलब्ध करना चाहेंगे, तो सुनते हैं अपन। हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। मैं मंदसौर से हूँ। रितेश बाबा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे रितेश भैया ने बहुत प्यार दिया और इसने दिया, उनका आशीर्वाद बना रहा और हमने ITI सफलतापूर्वक पास किया। आप सब इसलिए निवेदन है कि आप इनका संपर्क बनाए रखें और इनके साथ इनका साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस हमने प्रोजेक्ट कर दिया जमा और हम जा रहे कॉलेज के नीचे, मतलब कि ग्राउंड में। तो ग्राउंड में जा रहे हैं और ये ब्लॉक मेरे प्यारे दोस्तों के लिए बहुत मिस करूँगा। दोस्त लोग क्या पता करेंगे ना करेंगे, बट मैं तो करूँगा यारो। और ये हमारे आशीष चौहान निकल रहे हैं और हमारे सोहन बागड़िया जी जो कि हमारे क्लास के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे। और अब अच्छे जा रहे हैं पीछे, इंजॉय मस्ती और दोस्त यार से मिलते हैं। और हाँ गाइस, आज ही हमारा विदाई समारोह था और विदाई समारोह का मैंने सोचा कि ब्लॉग तो बनना चाहिए और ब्लॉग मैंने अच्छे से बनाया और आप तक लेके आया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। राकेट टावर मैंने तो मेरे को पैसे मिले थे सर, मैंने लाके दे दिए उन्होंने। मेरे को बोला कि पार्टी करनी तो पैसे दो, मैंने बोला सर बाहर एक पैसे नहीं दिए तो मैंने बोला कि नहीं। उधर वो तो फिर बाद में ही सोचा। पर रिसाइकल क्यों रिसाइकल सारों के नाम सर अभी सारे हम अलग अलग चीज नहीं अलग अलग है मतलब मिलके सब दे देंगे। अलग अलग चाहिए सब अलग अलग है सर। एक दिन में ढूंढ काट दो। गाइस आज हमारे पंडित सर भी हमसे मिलने आए। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ठीक है सर। अच्छा बढ़िया काम करो, सफल रहो, है ना? बहुत बहुत थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे विदाई समारोह पर शामिल हुए। अरे सुबह चला सो गाइस, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल लाइक दबाएं। और मेरे दोस्तों से भी यही बोलूँगा कि इस वीडियो को जब भी याद आए आप सभी को, आप इस वीडियो को देखना तो अपने पुराने दिन तो याद आएंगे बल्कि बहुत मिस भी करेंगे आप सभी को, मैं भी बहुत मिस करूँगा। सो गाइस, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो लव यू माई ऑल फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत ही मिस करूँगा यार, सही बता रहा हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप मिस करेंगे या नहीं करेंगे।